उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 35वीं शहादत दिवस पर आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने आनंद भवन में जाके उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति, स्कूली बच्चे और कांग्रेसजनों की उपस्थिति रही। जब 1 2 3 बोलेंगे तब ठीक है, सब की आएगी, सब वहीं देखिएगा, ठीक है। हल्का नीचे करिए, फिर हमको ना देखिएगा कोई, सब लोग वहीं देखिएगा। 1 2 3 चलिए। जब 1 2 3 बोलेंगे तब ठीक है, सब की आएगी, सब वहीं देखिएगा, ठीक है। हल्का नीचे करिए, फिर हमको ना देखिएगा कोई, सब लोग वहीं देखिएगा। 1 2 3 जब 1 2 3 बोलेंगे सब देखिए, सब यहीं देखिएगा, ठीक है। 1 2 3 इधर देखिए, आप इधर देखते रहिए, इधर देखते हुए चढ़ाइए। जहाँ शहर वासियों ने किया, वहाँ बाहर से लोगों ने भी आके शहादत दिवस पे भावपूरी श्रद्धांजलि अर्पित किया। सबसे सफेद लोग आ रहे हैं, ठीक हो, उनका चेहरा, चरित्र, कर्म सब काले रहे हैं, अभी जो महिलाओं का घर है सफेद हो गया, काला नहीं हो गया, इसलिए इस पर भी अभी हमने जा रहा है। नोटबंदी के बाद अब बैंक बंदी का भी सवाल आ रहा है, 11 लाख करोड़ रुपए के बैंक बैंक आते हैं, यह जो सबसे अच्छी बैंक है उसका भी हम देख रहे हैं, 1,80,000 करोड़ के खाते में, इसमें जो FDOP है, FDOP वाला मॉडल
उसके ऊपर पैसा जो है रखी नहीं श्रीमती इंदिरा गांधी की 35वीं शहादत दिवस पे कांग्रेसजनों, शहरवासियों और स्कूली बच्चों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं रामजी विश्वकर्मा, जनवाद टाइम्स, प्रयागराज।